टोटल मशीन के सभी दर्शकों का आज के एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करते हैं। आज हम हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसे टू व्हीलर्स की जानकारी देंगे जो आपने पहले कभी और कहीं भी ना देखी हो। यह वीडियो आपके मनोरंजन के साथ साथ आपका नॉलेज भी बढ़ाएगा, इसलिए इस वीडियो का आप एक पल भी मिस ना करें, बल्कि यह वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है टीएमसी ड्यूमोंट। कुछ एंटिक तरीके से बनाई गई यह टू व्हीलर अगर किसी भी रास्ते से गुजरेगी तो उस रास्ते से आने जाने वाले लोग अपने मुंह तले उंगली दबाकर बस देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि इसका डिजाइन ही कुछ ऐसा बनाया गया है कि यह सबको आकर्षित करे। इस टू व्हीलर का ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से इस टू व्हीलर को हम सिर्फ ऐसे ही सड़कों पर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी सतह अच्छी और साफ सुथरी हो। यह टू व्हीलर बिल्कुल भी खराब और ओबड़ धाबड़ सड़कों पर चलाने के हिसाब से बनाई नहीं गई है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के बावजूद भी इसका सस्पेंशन बड़ी ही आधुनिकता से बनाया गया है। इसी के साथ इसकी सीट भी इतनी आरामदायक बनाई गई है कि इसे चलाने वाला इसका राइडर एकदम कंफर्टेबल बैठ सके। इस टू व्हीलर में और एक बात भी है, यह टू व्हीलर चलाने के लिए किसी भी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। इस टू व्हीलर में कस्टमाइज लिथियम बैटरीज यूज की गई है और इसी बैटरीज से इस टू व्हीलर को पावर मिलता है। इसमें ना ही कोई इंजन, ना ही कोई ब्लॉक पिस्टन और ना ही कोई ऑयल पंप होता है, बस एक मोटर होती है, उसे लिथियम बैटरी से पावर मिलती है। इसी के साथ साथ इसका स्पीड और ब्रेकिंग सिस्टम कुछ ऐसी तकनीक से बनाया गया है कि इसे राइडर आसानी से ऑपरेट कर सके। तो दोस्तों, है ना कमाल की है बाइक। तो आइए अब देखते हैं होंडा कंपनी से बनाई गई सेल्फ राइडिंग बाइक। इसका नाम सुनते ही आप जान गए होंगे कि इस बाइक में क्या कमाल की चीज है। जी हाँ, यह बाइक सेल्फ राइड कर सकती है। इस बाइक को बनाते वक्त इंजीनियरों ने ऐसी तकनीक यूज की गई है कि यह बिना राइडर के चल सके। इसकी मैकेनिज्म कुछ सेंसर के जरिए इस बाइक को ऑपरेट करती है। इसका बैलेंस भी कुछ ऐसी तकनीक से बनाया गया है कि यह अपने आप चलते चलते कहीं गिर ना जाए। तो दोस्तों, एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि बाइक क्यों ना अपने आप चलती हो, यह बात तो हमको माननी ही पड़ेगी कि इस बाइक पे काम करने वाले इंजीनियरों का दिमाग ही इसे चला रहा है। इस बाइक के लॉन्चिंग प्रोग्राम को देखकर आपको अंदाजा आया ही होगा कि यह कैसा मानव निर्मित आविष्कार है। इस बाइक की पहली छवि अपने कैमरा में कैद करने के लिए दुनिया भर के जर्नलिस्ट अपने कैमराज लेके एक इवेंट हॉल में इसका इंतजार कर रहे हैं। अब यह है बाइकार जो तीन पहियों पर चलती है। हम इसे थ्री व्हीलर भी कह सकते हैं, लेकिन यह कोई आम थ्री व्हीलर नहीं। यह जरूर कोई ऑटो रिक्शा जैसी दिखेगी, लेकिन इसमें हम पैसेंजर बिठा नहीं सकते, क्योंकि यह बनाई ही गई है एक ही इंसान के लिए। जो इसे चलाएगा बस वही इसमें सफर कर पाएगा। इसके व्हील्स, इसके सस्पेंशन, इसकी शील्ड्स आपको एक बेहतरीन ड्राइविंग का अनुभव दे सकती है। यह जरूर ही तीन पहियों पर चलने वाली कार है, लेकिन आप इसे बाइक की तरह इजीली चला सकते हैं। अब जरा इसकी टर्निंग पोजीशन को देखिए, यह हाई स्पीड में भी कितने स्मार्ट तरीके से अपने आप को बैलेंस कर इजीली टर्न लेती है। इसका सस्पेंशन और बैलेंस इतने आधुनिक तकनीक से बनाया गया है, अगर आप इसे हाई स्पीड में भी टर्न करें तो यह पलटी होने की चिंता बिल्कुल ना करें। यह बाइकार आपको बेहतरीन बाइक और कार चलाने का अनुभव देगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दोस्तों, ये है यमाहा मोटोराइड। इसका डिजाइन ही कुछ ऐसा बनाया गया है कि इसे देखने वाले बस इसे देखते ही रह जाए और अपने मोबाइल कैमरा में इसकी फोटो निकालने को अपने आप को रोक ना पाए। जितनी यह दिखने में लाजवाब है, उतनी ही यह आपको बेहतरीन राइडिंग एक्सपीरियंस दे सकती है। इसका हैंडल जरूरत के अनुसार एडजस्ट हो सकता है और यह भी एक सेल्फ राइडिंग बाइक के नाम से ही जानी जाती है। दोस्तों, यह बाइक वॉइस कमांड पे भी काम करती है। आप इसे आगे बुला लो तो यह आगे आएगी, पीछे जाने को बोलो तो पीछे जाएगी, रुकने को बोलो तो रुक जाएगी और डांस करने को बोलो तो डांस भी करेगी। क्या कभी आपने देखी है ऐसी बाइक जो आपके कहने पर जैसे ही आप चाहे वैसे चल सके? नहीं ना? तो हमें पता है यह बाइक आपको भी उतनी ही पसंद आई होगी जितनी इस वीडियो में आपको दिखने वाले लोग इसे आतुरता से देख रहे हैं। इस बाइक को देखते ही आपको इसे चलाने का अगर मोह हो गया हो तो यह बात स्वाभाविक है। हर कोई बाइक राइडर जिंदगी में एक बार इसे जरूर चलाना चाहेगा।
अब इसे देखिए, यह है राइनो बाइक जो सिंगल व्हील पर चलती है। इसमें एक खास बात भी है कि यह ना तो सिर्फ अच्छी सड़कों पर चलने लायक बनाई गई है, बल्कि यह ऑफ रोड पे भी चल सकती है। चाहे रोड पे कितने भी उतार चढ़ाव हो, उसे यह बड़ी आसानी से पार कर सकती है। कम से कम जगह में से गुजरने वाली और कम से कम जगह में घूमने वाली यह दुनिया की एक ही ऐसी बाइक होगी, इसलिए भविष्य में इसे असाधारण महत्व प्राप्त हो सकता है। देखिए इस बाइक पर सवार यह राइडर इसे कितने बखूबी तरीके से हैंडल कर रहा है, क्योंकि इसमें दिए ही गए हैं इस तरह के फंक्शंस ताकि इसे चलाने में आपको एक असाधारण अनुभव मिले। तो दोस्तों, हमारी एक कड़ी मेहनत से बनाया गया यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सेकेंड के अंदर इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ वो भी इस बाइक को चलाने का अनुभव ले सके। अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।